अनअकैडमी में मैं अनिल विश्वानी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और ये लिटरेचर की क्लास लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। आप फटाफट आ जाइए और शुरू कर दीजिए क्लास को, फटाफट आ जाइए आप लोग और मुझे बताइए कि क्या आप तक मेरी आवाज, मेरी बात पहुंच पा रही है और आप क्लास का आनंद लेना शुरू कर चुके हैं और आप यहां आ चुके हैं, ये सारी चीजें आप मुझे बताएं तुरंत अभी। ओ क्या रहा है आज, सही तो है। तो मैं बता ये रहा था कि आपको आपको ये डीएसएसबी की सूचना देनी थी मुझे कि कल बैच शुरू हो चुका है, परसों 19 मई को बैच डीएसएसबी पार्टी पीआरटी के लिए शुरू हो चुका है और आप फटाफट इसको ज्वाइन करना अगर चाहते हैं तो अन अकेडमी को सब्सक्राइब करें। और अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते ही वर्ष वर्ष 3 आ गया ये तो। वर्ष वर्ष 3 हो गया है, चलो मैं उसको देख लूंगा फिर। वर्ष वर्ष 3 लाइव हो गया है, कोई समस्या नहीं, 2 कल लाइव कर लेंगे, ठीक है ना, वो कोई समस्या नहीं उसमें हो जाएगा। तो आप फटाफट आ जाइए। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा गलत जगह पे पहुंच गया हूं लेकिन कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए। अब मैं आपको अभी पहुंचा रहा हूं और आप इसके जरिए आइए हमारे तक। आइए फटाफट, गलत लिंक ले लिया मैंने वहां से लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, गलत लिंक आ गया तो क्या हुआ, हम तो वही है, वही हम भी वही है, क्लास भी वही है और सब वही है, तो कोई समस्या नहीं। चलिए फटाफट आइए। बिल्कुल आ जाइए फटाफट। हाँ मैं गलत लिंक उठा के ले आया हूँ बेटा, सेकंड वाले के बजाय थर्ड वाला, लेकिन मैं लिंक अभी शेयर कर दिया हूँ आपको, तो आप फटाफट आ जाइए। नहीं वहां क्यों वेट कर रहे थे, वहां कौन कहा था वेट करने को, मैंने वहां वेट करने को कहा था तुझे, मैंने कहा था वहां वेट करने को, मैंने कहा था वहां आना, मैंने तो नहीं कहा था, क्लास का टाइमिंग तो चेंज है, मैंने तो ये बिल्कुल कहा ही नहीं था कि आना कर वहां आज, मैंने आज आने को कहा ही नहीं था वहां, मैंने कहा था बोला, नहीं कहा था मैंने। चलिए अब ठीक है, आ गए आ गए, सबको लिंक पहुंच गया, सब तक लिंक पहुंच गया। हाँ मैं आ तो गया, और क्या चाहिए, अरे भाई मैं आ गया हूं और आप भी आ जाइए और क्लास को जरा रीशेयर कर दीजिए एक बार। आप कहे नहीं थे क्या है भाई, वहां काहे वेट कर रहे थे, क्या वहां के लिए हम क्लास कहे थे क्या, आज और कहीं क्लास नहीं होनी ये मैं बता दिया था, अभी लिंक अभी तो भेजा है, अब तुम आ गए हो, अब लिंक क्या करोगी अभी लिंक मैंने भेजा। गुड इवनिंग निवेदिता बेटा, आ जाओ, कैसी है आपकी तबीयत, अब आप कैसे हो, ठीक है चले आगे बढ़े। तो ये टीचिंग का चैनल है, टीचिंग ज्ञान जो अनअकैडमी के सौजन्य से चल रहा है, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं और अगर आप ऐप पे सब्सक्राइब्ड एक उपभोक्ता हैं हमारे तो लाइव टेस्ट क्विजेस का भी आनंद ले सकते हैं जो हमारे हमारे चैनल पे चलती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स लाते हैं हम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ मटेरियल मटेरियल एंड लर्निंग वीडियोस के लिए सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, सुपर टेट और सारे टेट से रिलेटेड बैचेस इंक्लूडिंग
एनवीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी एंड जीआईसी लेक्चरर का जो ये कॉम्बो बैच चल रहा है, ये सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, जहां शेड्यूल्ड वर्क्स लाते हैं वहां आपके लिए, नो लैंग्वेज बैरियर है वहां, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं आप अपने एजुकेटर से। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अनअकैडमी ऐप का। अपने डाउट्स को करते हैं आप क्लियर और आंसर पाते हैं लाइव पोल्स में। ये सारी बातें आपके साथ होती हैं अनअकैडमी ऐप पर। लाइव टेस्ट क्विजेज लाते हैं हम और देते हैं आपको डिटेल रिपोर्ट और एनालिसिस। पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल इटसेल्फ अवेलेबल ऑन द ऐप इटसेल्फ, ऐप पर ही वो उपलब्ध रहता है आपके लिए। और अगर आप ABI 10 का यूज करते हैं तो आपको 25% प्लस 10% का डिस्काउंट भी आपको दिया जाता है। तो ये कोड आप रट लीजिए ABI 10। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का कुल आप आपसे कुल लिया जाता है केवल मात्र 6,000 रुपए, जो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। और इसको भी आप घटा सकते हो, इसको भी आप घटा सकते हो जब जब आप ABI 10 का यूज करते हैं। दूसरा फॉर्म दो, जब आप इसको यूज करते हैं। तो चलते हैं हम आगे अपनी क्लास में। विलियम वर्सवर्थ की क्लास चल रही थी, आरो तो विलियम वर्सवर्थ की क्लास चल रही थी। चलते हैं, कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था? कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था ये देखें जरा, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। यस, अब वर्ड्सवर्थ की शिक्षा और दीक्षा के बारे में बात करेंगे। वर्ड्सवर्थ वाज टॉट टू रीड बाय हिज मदर एंड अटेंडेड फर्स्ट अ टाइनी स्कूल ऑफ लो क्वालिटी इन कॉकरमाउथ। कॉकरमाउथ में छोटा सा लो लोकैलिटी के एक स्कूल में इनकी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा हुई। इनकी मां ने इनको पढ़ाया। ये लगा दो उधर से देख। देन अ स्कूल इन पेनरिथ, फिर पेनरिथ के एक स्कूल में ये गए, फॉर चिल्ड्रन ऑफ अपर क्लास फैमिलीज, उनके साथ जहां बड़े घरों के लोग, जहां बड़े घरों के बच्चे स्टडी पाते थे। वेयर ही वॉज टॉट बाय एन ब्रिकेट, जहां इनको टीचर मिला एक जिसका नाम था एंड ब्रिकेट, हु इंसिस्टेड ऑन इंस्टिलिंग हर इन हर स्टूडेंट्स। जो एक महिला टीचर थी एंड ब्रिकेट, जो अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करती थी, इंस्टिल माने होता है भरना, फिलिंग, फिल करती थी। क्या फिल करती थी अपने बच्चों के अंदर? ट्रेडिशंस दैट इंक्लूडेड परस्यूइंग बोथ स्कॉलरी एंड लोकल एक्टिविटीज, जो लोकल एक्टिविटीज भी सिखाती थी और स्कॉलरी स्कॉलर्स को परस्यू करना भी सिखाती थी। स्पेशली द फेस्टिवल्स अराउंड ईस्टर, और ये खास एक्टिविटीज, लोकल एक्टिविटीज वो तब सिखाती थी जब वो ईस्टर का जो सालाना होने वाला फेस्टिवल आता था, मे डे। ये इसको ईस्टर त्योहार को क्या कहते हैं? मे डे। ये मई के महीने में होता है, मे डे के नाम से ईस्टर को जाना जाता है। एंड शो ट्यूजडे, ये दो ऐसे वार्षिक त्योहार थे जो अंग्रेजों में बहुत फेमस थे। और इन दोनों त्योहारों में स्कूल के बच्चों में लोकल एक्टिविटीज को इंस्टिल करना और स्कॉलर्स के बारे में बातें करना, बताना और उनकी शिक्षा देना, यही एंड ब्रिकेट का काम था जो अपने बच्चों में वो मेंशन करती थी, भरती थी। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? कहीं कोई टेंशन तो नहीं आ रही है? ये नालायक क्या कह रही है? नाक नहीं आती। किसको नाक नहीं आती? जुखाम हो गया, जुखाम हो गया तो सरसों का तेल डालो, सरसों का तेल ऐसे शाम को नाक में अपनी डाल लेना बेटा गर्म करके, ठीक है ना, और ऐसे कर लेना, गला सूखा है, मोबाइल से दूर रह के बात करना, इधर ना आए जुखाम तुम्हारा। अरे हम नाराज नहीं, हम पढ़ाने मस्त है यार। हे भगवान, कमेंट ना पढ़ो तो समस्या है, हम कमेंट पढ़ेंगे जब जरूरत होगी हमको। हम यहां पढ़ाने मस्त है, तू अपना सोच रहे हो हमसे बतियाए सर कमेंट पढ़े। सोनम, राम राम भैया सोमदत्त, काढ़ा बना के पीला, देखो डॉक्टर नहीं आई है बताने, काढ़ा पियो। अर्चना मैडम बहुत मजा लेती है तुम्हें। वर्ड्सवर्थ वाज टॉट बोथ द बाइबल एंड द स्पेक्टेटर,
स्पेक्टेटर भी पढ़ाया, ये मैगजीन थी, वीकली मैगजीन थी, साप्ताहिक, जो अंग्रेजी में आती थी, और उसमें बेस्ट ब्रिटिश जर्नलिस्ट लिखते थे कॉलम्स, ऑथर्स लिखते थे कॉलम्स एट द टाइम्स, उस समय के तत्कालीन, और क्रिटिक्स लिखते थे अपने लेख, कार्टूनिस्ट अपने कॉलम्स बनाते थे। ये 1828 से, ये 1828 से, 1828 से ये पब्लिश होना शुरू हुई थी। नाउ नेक्स्ट पेज, ऑन द नेक्स्ट पेज बट लिटिल एल्स, इट वॉज एट स्कूल इन पेंड्रिथ दैट ही मेट द हचिंसन्स। अब हचिंसन से वो कहां मिले? वो हचिंसन से मिले पेनरिथ में, इंक्लूडिंग मैरी हु लेटर बिकेम हिज वाइफ। मैरी के अतिरिक्त एक और लड़की से वहां मुलाकात हुई जिसका नाम हचिंसन था, और वही बाद में उनकी पत्नी बनती है, स्कूल मेट इनकी। आफ्टर द डेथ ऑफ वर्सवर्थ मदर, वर्सवर्थ की मदर की मां की मृत्यु होने के बाद इनकी शादी होती है 1778। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन है। 1778 में इनकी शादी, जन्म, शादी, माता पिता, ये चारों राइटर्स के आपको तैयार, शेक्सपियर, वर्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी और मिल्टन, इनकी जन्म, इनका स्कूल, इनका आखिरी स्कूल, इनका ग्रेजुएशन, इनकी डेथ, इनकी कब्र पर लिखे गए नाम, इनकी इन्होंने क्या लिखा अपनी कब्र पर लिखने के लिए, कब्र इनकी कहां है, जन्म इनका कहां हुआ था, डेट बाई डेट आपको बिल्कुल रट लेना चारों राइटर्स के, ज्यादा के नहीं रटना, इन चारों राइटर्स, इनकी शादी कब हुई, कितनी शादी हुई, एक शादी तो हुई नहीं किसी की, सभी राइटर्स की एक से ज्यादा शादी हुई, उनकी डेट्स, उनका ईयर जरूर याद रखना, अगर पुत्र थे तो कितने थे, कोई पुत्र अगर मरा तो वो किस सन में मरा, कितनी बड़ी इनकी उम्र थी, कितनी बड़ी उम्र में ये लंदन आए, अगर देहात से आए या दूसरी जगह से आए, ये सारी बातें इन चार राइटर्स के बारे में आपको बेसिकली तैयार करनी है। यहां से क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जाने हैं, यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने ही पूछे जाने, ठीक है ना। अरे तुम सब नालायक हो। 78 में बेटा सविता, बहुत बढ़िया, सविता हमारी पढ़ाई लिखाई की बातें करती है, गीता को खाली पंचायत करने दे दो, कल आ गया नंबर 1, बस सोच ली कि हमारा सिलेक्शन हो गया, अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, लड्डू बांटो फिर। हिज फादर सेंट हिम टू हॉक्सीड। माता की मृत्यु के बाद 1778 में इनके पिता ने इनको हॉक्सीड भेज दिया, पैसे वाली पार्टी थे, ऐसा नहीं है, इनके पिता को बच्चों के लिए टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं थी कि बच्चों की देखरेख कर पाते, और माँ की मृत्यु जब हो गई तो उनको ग्रामर स्कूल ऑफ लंकाशायर में ऑक्सीड में भेज दिया गया, ग्रामर स्कूल इन लंकाशायर। यही पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट्स, एक एक पॉइंट इसमें का, और ये सब कैसे करवाऊंगा बेटा, 100 क्वेश्चन, कम से कम 150 क्वेश्चन, 100 नहीं, 150, 150 क्वेश्चन में कम से कम वो एक्सपर्ट पे करवाऊंगा, और सब बेटा उसी में कवर कर दूंगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। बिल्कुल सरदर्द नहीं रखना अपने पास, हम जितना पढ़ाते जाएं वो सब करते रहें। अरे फालतू नहीं डांट रहे हैं गीता, अच्छा तो डट जाओ थोड़ा सा तुम, तो कौन सा तुम्हारा वो दुबली हो जाओगी, फालतू डांट रहे हैं तो तुम डट जाओगी थोड़ा सा तो का तुम्हारा बिगड़ जाएगा, हम डांटे तुम डट जाओ, हो गया काम, हम तो डांटते रहते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन हम कहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, घर का फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे तो निकालेंगे, और कहाँ निकालेंगे बताओ, घर में निकालेंगे तो घर से निकाल दिए जाएंगे, तो अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे, बच्चों पे अपने निकालेंगे। वैसे ही डबल है, कह रही हम तो वैसे ही डबल है। रोसी बेटा समझ रही है हमारी हालत, हमारे दिल की हालत कौनों नहीं समझता है। रत्नेश भैया क्या हाल चाल है बेटा। नाउ इन कैम्ब्रिया, अब जो कैम्ब्रिया में स्थित है, कौन लंका शायर अब कहां स्थित है, कैम्ब्रिया में, और फिर इनके पिता ने सेंट डोरथी भी, 1 साल छोटी जो इनकी पुत्री थी डोरथी, अपनी पुत्री को भी बेटे के पास भेज दिया, भाई बहन दोनों साथ में आ गए, और यहीं से भाई बहन का प्यार शुरू होता है, और पूरे जीवन वर्सवर्थ जहां जहां गए अपनी प्रिय बहन डोरथी को लेकर गए, वह भी एक डायरिस्ट थी और राइटर, तो बहुत बड़ी लेखक तो नहीं थी लेकिन कुछ कविताओं लिखने में और इनकी कविताओं को संकलित करने में बड़ी मदद करती थी इनकी, और वो डायरिस्ट थी, वो अपनी और शेक्सपियर दोनों, विलियम वर्सवर्थ, शेक्सपियर, शेक्सपियर दिमाग में घुसा हुआ, विलियम वर्सवर्थ की डायरी को भी मेंटेन करती थी, ठीक है ना।
अच्छा, रिलेटिव्स इन यॉर्कशायर, यॉर्कशायर उनको भेज दिया लंकाशायर के बाद जो है ना। एंड शी एंड विलियम, वह डोरथी और विलियम, अच्छा, डोरथी अलग थी बेटा, बेटा बेटा डोरथी यॉर्कशायर गई थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ। जब माँ की मृत्यु हो गई तो डोरथी को यॉर्कशायर भेज दिया और इनको भेज दिया लंकाशायर, कैम्ब्रिया में, जो कैम्ब्रिया में स्थित है ग्रामर स्कूल में, और वो रिलेटिव्स के पास, अपने मामा मामी के पास रहने के लिए, मौसी मौसा के पास रहने के लिए यॉर्कशायर चली गई शी, है ना। और विलियम, दोनों फिर 8 वर्षों के लिए जुदा हो गए, अलग हो गए, भाई बहन साथ में रह नहीं पाए, मिल नहीं पाए। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फटाफट नोट करिए इसको, 1787 में इनका डेब्यू हुआ, इनका डेब्यू हुआ। और इन्होंने द यूरोपियन, बेटा ये क्वेश्चन के जरिए करवा चुका हूं, बेटा ये करवा चुका हूं ना बाबू, ये क्वेश्चन याद आ रहा है बेटा, द यूरोपियन मैगजीन, दैट सेम ईयर ही बिगेन अटेंडिंग सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। और उसी वर्ष उन्होंने, जिस वर्ष कविता लिखना शुरू किया था, यानी 1787 का ही वो बेहतरीन ईयर था जब सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन के लिए इनका इनका दाखिला करवा दिया गया, और वहां से उन्होंने बीए की डिग्री 1791 में ली। एक डेट याद रखना बेटा, 87 से 91, ठीक है ना, 4 वर्षों का बीए डिग्री इन्होंने वहां से प्राप्त किया, अंग्रेजी से इन्होंने बीए किया था। अच्छा, कॉलरिज वॉज, हाँ बेटा बिल्कुल, आप हो सुशील राजपूत मेरा बच्चा, चलो बेटा आ जाओ। ही रिटर्न टू हॉकशीड, अब वो कहाँ आ गए, वो हॉकशीड आ गए, फॉर द फर्स्ट 2 समर्स ऑफ हिज टाइम, पहले अपने 2 गर्मियों के लिए हॉकशीड चले आए, एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में, एंड ऑफन स्पेंट लेटर हॉलीडेज ऑन वॉकिंग टूर्स। और जब भी उनकी बाद में आने वाली जितनी भी वॉक, जितनी भी हॉलीडेज थी स्कूल की मिलने वाली, वो सभी उन्होंने वॉकिंग टूर्स करके, ये वॉकिंग टूर करते थे, लंबी लंबी दूरियों पर वो वॉक करने के लिए निकल जाया करते थे, विजिटिंग प्लेसेस फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ देयर लैंडस्केप। आप जानते हैं ये सुंदर दृश्य वाले, सुंदर दृश्यों से भरे उस बेहतरीन जगह पर रहते थे जिसको लेक साइड कहा जाता है, जो आज भी बहुत दर्शनीय स्थल है लोगों के लिए, बहुत ही चार्मिंग प्लेस है लोगों के लिए, तो वहां उस लैंडस्केप की ब्यूटी को निहारने के लिए ये अक्सर हॉकशीट जाया करते थे। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 1790, 1790 में ही वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप, वह यूरोप के वॉकिंग टूर पर निकल गए, यूरोप के वॉकिंग टूर पर गए, ड्यूरिंग विच ही टूर्ड द आल्पस, जिस दौरान उन्होंने आल्पस की एक्सटेंसिव विजिट की, एक बहुत बेहतरीन तरीके से आल्पस पर्वत के सुनहरे दृश्य को देखने के लिए। सुनहरा इसलिए कहता हूं कि आल्पस की जमी बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि हजारों सूर्य खिल गए हो वहां, तो आल्पस की खूबसूरती मैंने वहां पर पढ़ा हुआ है, तो एक्सटेंसिवली इन्होंने उसको टूर किया, एक्सटेंसिवली टूर किया मींस ही विजिटेड दैट प्लेस मेनी टाइम, नियर बाय फ्रांस फिर गए और स्विट्जरलैंड और इटली, ये वॉकिंग टूर्स पर वो जाया करते थे। हाँ बेटा, एलन वॉलन, ये सब पढ़ाएंगे, एलन वॉलन अभी सब पढ़ाते हैं मेरा बच्चा, आगे आगे दौड़ोगे तो ठीक है। लो एनट वॉलन आ गई बेटा, एनट वॉलन आ गई, अलका सिंह, अरे हम इनकी बातें नहीं सुनते हैं नालायकों की। बेटा अलका तुम ध्यान से, निपुण बेटा और अलका बेटा तुम ध्यान से सुनो, इन लोगों के कमेंट दो ऑफ कर, कमेंट नीचे कर दो, इनके कमेंट देखो नहीं, सब नालायक हैं, सब बतियाने आती हैं यहाँ, ये महिलाएं जितनी हैं, इसीलिए मैं डांटता हूं फिर तो, अभी हमको सरकार डांटते हैं, हमको सरकार डांटते हैं, और हम डांप ही डांट देंगे, तुरंत डांट देंगे, ये सब बतिया रही हैं, कौन बतिया रहा। अरे शिवानी को बकबक करने दो, तुम लोग अपना काम करो, वो बच्ची है कि तुम भी बच्ची हो ये बताओ, वो हाई स्कूल की बच्ची है, छोटी सी नासमझ, ठीक है ना, और अगर वो कुछ कहती है तो उसको अवॉइड करो, नहीं तो और
और बोलेगी, उसको मजा इसमें थोड़ी आ रहा, उसको उसको वर्ष वर्ष का लेना देना, लेकिन वो हमारे प्यार में रहेगी यहाँ जरूर, वो सर की क्लास में जरूर रहेगी चाहे कुछ हो जाए, और वो चाहे कुछ हो सर की क्लास चल रही तो वो क्लास में रहेगी, बस ये बात है। तो तुम लोग उसकी बातों पर ध्यान न दो, और उसको डांटेंगे तो अभी वो रोना शुरू कर देगी। तुम्हारे लोगों की समस्या ये है, लड़कों को हमारे डांटे तो वो कहीं नहीं गुस्सा आएंगे, अनलाइक करके भाग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम रोना शुरू कर देती हो यहाँ सर हमको डांटो बड़ा अच्छा लगता है, देखो 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 ना लाइक की है। तो बेटा आप लोग बढ़िया मस्त होकर तैयारी करो, द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज रिटर्न एंड हिज सब्सिक्वेंट बिहेवियर रेज्ड डाउट्स एज टू द हिज डिक्लेयर्ड विश टू मैरी एनेट, हाउएवर ही सपोर्टेड हर एंड हिज डॉटर एज बेस्ट ही कुड इन लेटर लाइफ। नहीं छूट गया यार, देखो पूरा छूट नहीं गया, हम आगे बढ़ गए, वही हम कहे पहले छोड़ के चले आए, अभी तुझसे मिले भी नहीं, आप भी हमारे परिवार की सदस्य की जैसी बनती जा रही है निपुण दीक्षित, ये अलका और ये सीडी भैया और अर्चना वंदना ये जितने बच्चे हैं ना बेटा, ये सब कंटिन्यूअसली क्लासेस लेते हैं 4 से 6 घंटे जितनी भी क्लासेस होती है, ठीक है ना। हाँ कॉरलिन वॉज लूसीज पैम, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, आप होनो करने दो बेटा, हम तो न्योता देते हैं एक आध डिसलाइक करने वाले को, उसको याद तो रहेगा कि हम डिसलाइक करके आए थे, होने दो डिसलाइक भी करने दो, क्या करना है। तो रिलेशनशिप विद एनेट वॉलन, अब एनेट वॉलन की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे। इन नवंबर 1791 वर्सवर्थ विजिटेड रेवोल्यूशनरी फ्रांस, एट द टाइम द फ्रांस वाज बर्निंग बाय द रेवोल्यूशन इन 1791, 1791 में वर्सवर्थ जब फ्रांस की विजिट किए तो वह बिल्कुल रिवोल्यूशन की आग में, क्रांति की आग में, फ्रांस की क्रांति के नाम से जो मशहूर हुई, रिवोल्यूशन चल रहा था वहां, एंड बिकेम इंचेंटेड विद द रिपब्लिकन मूवमेंट, और वहां पर जाकर के वो रिपब्लिकन मूवमेंट यानी गवर्नमेंट के अपोजिट सत्याग्रह करने लगे और उनके साथ में रिपब्लिकन मूवमेंट में साथ हो गए, लेकिन वो रिपब्लिकन मूवमेंट में इंग्लैंड का जब विरोध शुरू हो गया तो इंग्लैंड से क्रांति का छिड़ जाना ये ज्यादा गड़बड़ बात हो गई, और इसी दौरान ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमैन, और इसी बीच वो प्यार में गिर गए एक फ्रेंच महिला की जिसका नाम था एनेट वॉलन, हु इन 1792 जिसमें जब ये प्यार में गिरे उसके बाद 1792 में उसने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम कॉरोलाइन था। ऐसा माना जाता है कि लूसी पोएम्स में कॉरोलाइन को ही उन्होंने अपने दिमाग में इमेजिन किया है, उन्होंने अपने दिमाग में इमेजिन किया है कि वो कॉरोलाइन ही लूसी थी, ऐसा क्रिटिक्स बताते हैं, कहीं कोई ऑथेंटिक बात इस बारे में लिखी नहीं है, बट क्रिटिक ऐसा सोचते हैं कि जो लूसी, 3 लूसी पॉइंट्स इन्होंने जो लिखी हैं उसमें जो लूसी नाम की बच्ची की कल्पना इन्होंने की है वो और कोई नहीं, वो कॉरलिन इनकी एनेट वॉलन से हुई बेटी थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी इनको वहां, एंड ब्रिटेन का जो टेंस रिलेशनशिप विद फ्रांस था इसकी वजह से फोर्स्ड हिम टू रिटर्न टू इंग्लैंड, ही वॉज फोर्स्ड बाय द सर्कमस्टांसेस टू रिटर्न इंग्लैंड अलोन द फॉलोइंग ईयर, अगले ही वर्ष वह अकेले इंग्लैंड आने के लिए बाध्य हो गए। क्लियर हो रही बात बेटा। अब द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज रिटर्न एंड हिज सब्सिक्वेंट बिहेवियर रेज्ड डाउट्स एज टू हिज डिक्लेयर्ड विश टू मैरी एनेट, अब ये जो परिस्थितियों ने इनके वापस आने की, अपने सब्सिक्वेंट बिहेवियर रेज डाउट्स, इनका वहां से चला आना चुपचाप, अनेट वॉलन से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक और वार्तालाप ना करना, इसमें डाउट्स आ गए उसके दिमाग में एज टू डिक्लेयर विश टू मैरी अनेट, और इन्होंने मैरी अनेट से यानी अपनी इनकी बचपन की प्रेमिका जिसको स्कूल में मिले थे उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी और घोषणा कर दी इस बात की। हाउएवर हालांकि ही सपोर्टेड एनेट वॉलन, एनेट को इन्होंने सपोर्ट किया बहुत, जिनसे इनकी पुत्री कारोलिन थी, एंड हिज डॉटर को एज बेस्ट ही कुड इन लेटर लाइफ, बाद के जीवन में जितना इन्होंने ये कर सके उतना उन्होंने अपनी उस बेटी को
सपोर्ट किया और अपनी ना हो पाई बीवी को भी सपोर्ट किया, मैरी हचिनसन। हाँ वहां गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है। द रेन ऑफ टेरर लेफ्ट वर्ड्सवर्थ थॉरोली डिसिल्यूजन्ड विद द फ्रेंच रेवल्यूशन। अ रेन ऑफ टेरर का मतलब हो गया यहां पर शासन आतंक का। लेफ्ट वर्ड्सवर्थ थॉरोली डिसिल्यूजन्ड और विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये मोह माया से तिक्त हो गए, मींस बहुत ही ज्यादा ऊब गए, इनको मोह माया सब भूल गई। नेचर का लव यहां से शुरू होगा, खून खराबा, लोगों की अनस्टेबिलिटी और लोगों का एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं, इंग्लैंड का फ्रेंच और फ्रेंच का इंग्लैंड के प्रति नफरत की भावनाएं, इन सभी नेगेटिव चीजों ने इनके दिमाग में एक नेगेटिविटी भर दी। एंड आउटब्रेक ऑफ द आर्म्ड हॉस्टिलिटी बिटवीन ब्रिटेन और फ्रांस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सीइंग एनेट एंड हिज डॉटर फॉर सम इयर्स। और इसी वजह से उनके दिमाग में सब नेगेटिव चीजें भर गई, क्योंकि अब वो एनेट और अपनी बिटिया को, अपनी प्यारी बेटी कॉरलिन को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो ये हॉस्टिलिटी चल रही थी, जो उपद्रव चल रहा था, जो एक दूसरे को मार डालने की, मारने काटने की जो हॉस्टिलिटी चल, उग्रता चल रही थी, इसने उनको बहुत परेशान किया और मानसिक रूप से वो पूरी तरह से टूट गए। विद द पीस ऑफ एमिंस, तब घटित हुई पीस ऑफ एमिंस 1802 में इंग्लैंड और फ्रांस के बाद और के बीच। और फिर उन्होंने ट्रेवल किया 1802 में ही वर्सवर्थ और अपनी बहन डोरथी को लेकर के एनेट और कॉर्लिन से मिलने के लिए कैलाइस में गए। कैलाइस उस जगह का नाम था फ्रांस में जहां से इनकी बेटी कॉरलिन और इनकी ना हो पाई बीवी एनेट रहती थी। क्लियर हो रहा बेटा? और अच्छे से चल रहा? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो आगे। द पर्पज ऑफ हिज विजिट वॉज टू प्रिपेयर एनेट फॉर द फैक्ट ऑफ द फोर्थ कमिंग मैरिज टू मैरी हचिंसन। इनका वहां जाने का जो पर्पस था, वो एनेट से इस बात का हकीकत बताना चाह रहे थे कि आने वाली जो मैरिज मैरी हचिंसन के साथ मेरी होने वाली है, उसके बारे में तुमको क्या कहना है। मींस वो उसकी एग्रीमेंट लेने गए थे, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा क्रिटिक्स ऐसा सोचते हैं कि वहां पर जाने का इनका मकसद यही था कि वो एनेट से इस बात की राजीनामा ले लें कि तुम बुरा ना मानना, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। Afterwards he wrote the sonnet, और उसके बाद उन्होंने एक सोनेट लिखा, इट इज अ ब्यूटियस वन काम एंड फ्री, ये रिकॉलिंग द सी साइड वॉक विद द 9 ईयर ओल्ड कॉरोलाइन, अपनी 9 वर्षीय पुत्री कॉरोलिन के साथ उस समुद्र के किनारे पर टहले गए हुए समय को रिकॉल करते हुए कि अपनी बेटी के साथ मैं कैसे वहां टहल रहा था। तो इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये सोनेट उन्होंने अपनी बेटी की उसी प्यार और उसी 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 ममता में के वशीभूत होकर के लिखा सॉनेट, हुम ही हैड नेवर सीन बिफोर दैट विजिट। और 9 वर्ष की जब तक वो नहीं हो गई थी, तब तक ये उसको देख नहीं पाए थे। यानी ये शुरुआत से, जब से उसका जन्म हुआ, जिसके बाद 9 वर्षों के बाद उसको देखने को मिला। बात क्लियर हो रही है बेटा? बढ़िया से चल रहा है? कहा हो गया वाओ? मैरी वॉज एंक्सियस दैट वर्सवर्थ शुड डू मोर फॉर कॉरलाइन। मैरी इस बात को लेकर चिंतित थी कि वर्सवर्थ कुछ कर नहीं पा रहे हैं कॉरलिन के लिए, और इनको अपनी लेगेसी में से कुछ ना कुछ उसे देना चाहिए, जो इनको अपने पिता के बाद इनको अपनी लेगेसी में मिला था, अपनी विरासत में मिला था। यही पेज लास्ट है। अपॉन कॉरलिन मैरिज इन 1816, अपनी बेटी की शादी 1816 में जब हुई, वर्सवर्थ ने $30 अ ईयर फॉर हर इक्विवेलेंट, अपनी बिटिया को यूरो, ये यूरो का है, 30 यूरो एक वर्ष में देने का सेटलमेंट किया अपनी बेटी के नाम, के हर वर्ष तुमको बेटा 30 यूरो मिलेंगे, जो कि आज 1919 में, 2019 में जब निकाला गया इसका पैसा, तो ये यूरो 2313 के बराबर था उस समय के हिसाब से। पेमेंट्स विच कंटिन्यूड अंटिल 1835, जो 1835 तक लगातार अपनी बेटी को ये पहुंचाते रहे। और व्हेन दे वर रिप्लेस्ड बाय अ कैपिटल सेटलमेंट,
और इसके बाद ये सेटलमेंट हो गया, कैपिटल सेटलमेंट हो गया, पूंजी का सेटलमेंट हो गया, मींस एक मुश्त उसको पैसा दे दिया, और इस तरह से ये जो ईयरली इनकम दी यूरो 30 की, ये देना उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, आज की इतनी ही क्लास, और मिलते हैं फिर। कहाँ जाएंगे हम तुमसे बच के, हैं आप बतिया लें थोड़ा सा, 2 मिनट, अब 2 मिनट बतियाएंगे बस तुमसे। आप बोलो क्या समस्या है, खूब ही कर रहे इतनी देर से। हे भगवान, ये शैतान हमारी जो आई थी बीच में, यही सब डिस्टर्ब करके। अर्चना क्या लिखी, मून पे मिट्टी फेंकने से कुछ नहीं होता, वो मिट्टी फेंकने वालों के फेस पर ही पड़ती है, तो डिसलाइक करने वालों भी खुद ही डिसलाइक हो जाता है। जी अर्चना जी कोई बात नहीं, ये सब आपका प्यार है, और आपका इतना प्यार है मेरे पास कि मुझे एक डिसलाइक तो पता ही नहीं चलता, छुन्न हो जाता होगा वो, पता ही नहीं चलता मुझे। बेटा आपका इतना प्यार मिलता है मुझे। वोकैबुलरी आज नहीं बेटा, वोकैबुलरी भी होती है, 2 घंटे, 1 घंटा वोकैबुलरी, 1 घंटा ग्रामर प्रैक्टिस, 1 घंटा लिटरेचर प्रैक्टिस, फिर 1 घंटा लिटरेचर पढ़ाता हूँ, फिर 1 घंटा ग्रामर पढ़ाता हूँ, ये दोनों मेन कोर्स चलते हैं, ये प्रैक्टिस है दोनों, ये वोकैब की प्रैक्टिस है। क्या चाहिए तुमको हमसे और बेटा, और हमको बेटा क्या चाहिए आपको हमसे। मैं कितनी घंटे की क्लास देता हूं रोज, कम से कम 5 घंटे ये, और एक आध घंटा और बढ़ जाएगा, अभी बढ़ेगा तो आइए, ठीक है ना। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, मेरे से भरोसा नहीं है, तो ये नंबर लो हमको, गरियाना फोन करके अगर आप क्लास ना ले तो समझ गए, या तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहीं से लिंक आपको मिलेगा, डेली का डेली हर क्लास का लिंक मैं पहुंचा देता हूं बेटा। टीचिंग ज्ञान के चैनल पर आ जाओ, वहां से बेटा सारे लिंक मिलते हैं आपको, ठीक है। अब क्या बच्चे की जान लोगे भाई, आप मीना सही कह रही है, और क्या जान लोगे बच्चे की, ठीक है ना बेटा। हाँ बेटा, हाँ इतना पढ़ाएंगे आपको, अभी थोड़ा सा और प्लानिंग कुछ चल रही है, अभी एक दिन हमको सीतापुर जाना पड़ेगा अपना वेतन लगवाने के लिए, फाइल जमा करने के लिए, ठीक है ना। तो एक दिन हमको जाना पड़ेगा, तो एक दिन चले जाएंगे हम, और बाकी सब हो जाएगा अपना काम धीरे धीरे, तो एक दिन पूरा छुट्टी रहेगी, वो किस दिन जाना है यह अपना देख लेंगे हम। आज का कोई शेड्यूल नहीं है, कल का शेड्यूल आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, अभी क्लास में बैठूंगा तो कल के लिए क्लासेस सारी सेट करने के लिए, इसीलिए अब बैठ जाएंगे और क्लासेस सेट कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अन अकेडमी मर, मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए। अरे शेक्सपियर छूट गया तो पीछे लेक्चर्स हैं, उनको पढ़ो ना बेटा, सारे लेक्चर्स तो पढ़े हुए हैं। अच्छा सीतापुर में आपका फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे कई फ्रेंड है बेटा सीतापुर में, तो अन अकेडमी में मेरे साथ कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक लगातार बने रहने के लिए, एक्चुअली 2 घंटे करना चाहिए मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अनिल विश्वाणी विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।